मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के चूहा पुल पर। आपको बता दें कि आज करीब 11:30 बजे के आसपास रोहित गुप्ता 27 वर्षीय नाम का एक युवक चूहा पुल खाड़ी से जो है इसमें चूहा पुल ब्रिज से जो है खाड़ी में छलांग लगा दिया। दरअसल रोहित गुप्ता जो है ये मुंब्रा बाईपास से सटे हुए गाँव देवी इलाका है, चार मीनार के पास जो है ये रहते थे। और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे रोहित गुप्ता के जो भाई हैं राहुल गुप्ता, उनसे जानकारी लेंगे। दरअसल इनके जो पिता हैं राजकुमार गुप्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल पुलिस जो है उनको अपने साथ बयान लेकर गई है। आखिर क्या हुआ था और क्यों रोहित गुप्ता ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया कि चूहा ब्रिज से खाड़ी में उसने आज दोपहर करीब 11:30 बजे के आसपास में उसने छलांग लगा दिया है। राहुल, आपके जो भाई हैं रोहित गुप्ता, उन्होंने आज यहां से छलांग लगा दिया है इस खाड़ी में, क्या पूरा मामला था? सर यही 11:30 बजे की बात है कि मतलब मेरा भाई यहां से जम कर लिया, पापा को फ़ोन कर रहा है कि मतलब कि मैं जा रहा हूं, सबका ख्याल रखना, मम्मी का पापा का सबका ख्याल रखना। मैं जम कर लिया, पापा भाग भाग के आए, मतलब हम लोग का टेम्पो का धंधा है तो वैसे भाग भाग के आए। फिर यहाँ से भाग भाग के मतलब ऐसा लगा कि कूद गया है। फिर गए फायर ब्रिगेड वालों का, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे आए, उन लोग थोड़ा इधर उधर देखे सर, इधर उधर देखे, फिर उन लोग पुलिस को कॉल किए। पुलिस वाले उनका कहना है कि अभी पानी कम ज़्यादा होएगा, उस हिसाब से मतलब सब जाएंगे उतरेंगे। अभी कह रहे हैं पानी का बहाव ज़्यादा है। हाँ सर, उल्टे वही शाम 4-5 बजे तक ऐसा बताया बोल रहे हैं। रोहित गुप्ता ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या वजह थी, कुछ डिस्टर्ब थे वो, क्या हुआ? सर डिस्टर्ब था दिमाग के साथ डिस्टर्ब था सर, वो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह उनका चालू भी था ऐसा? सर ट्रीटमेंट चालू था सर, ट्रीटमेंट उसका दिमाग का चालू था 4-5 साल। अच्छा, शादी हुई? हाँ सर, शादी हो गया सर। कितने दिन हुआ था? सर वही लगभग 5-6 महीना हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो पिता हैं राजकुमार गुप्ता, हाँ सर, वो ऐसा पुलिस को जो है जानकारी दे रहे थे कि करीब 3 से 4 दिन लगातार वो आपके भाई जो है वो यहाँ पर आ रहे सुसाइड करने के लिए, और वो जो है यहाँ से उन्हें पकड़ के वापस भी लेकर गए, और आज सुबह जो है वो पुलिस स्टेशन भी उसे लेकर गए। और पुलिस स्टेशन से फिर जब वो वापस आए उसके बाद जो है फिर ऐसी जानकारी मिली कि रोहित ने अपने पिता को फ़ोन किया कि मैं चूहा पुल से छलांग लगा रहा हूँ, यानी 3-4 दिन से लगातार वो यहाँ पर आ रहा है। हाँ सर, ये बात सही है सर, मतलब 3-4 दिन से आ ही रहा था सर सुसाइड करने के लिए कि मैं कूद जाऊँगा, तो भाई हर बार पापा आते थे लेके जाते थे, फिर आज ज़्यादा देखे फिर डायरेक्ट पुलिस चौकी लेके गए। पुलिस चौकी में उनको बोला गया, पापा ने बोला डायरेक्ट इनको जेल में डाल दो, तो लोग भी सुने नहीं, बोले नहीं हम लोग ऐसे कैसे डाल सकते हैं ऐसा वैसा, पापा बोले फिर पागल खाने में डाल दो, तो वो लोग वो भी तैयार नहीं हुए। फिर पापा उसको हमारे नाके पे बिठाए उसको, फिर नाके पे से पापा वहाँ चले गए मेक कंपनी, फिर मेक कंपनी से भाग के आ गया, मालूम पड़ा सर यहाँ पे जम कर लिया। अच्छा, फ़ोन पे बात करते हुए? हाँ सर, फ़ोन पे बात करते करते तब तक पापा आ गए, तो मालूम पड़ा कि जम हो गया। ऐसा हम लोग ऑन द स्पॉट देखे नहीं सर, वो भी जब मालूम पड़ा इस बारे में हम संजय नगर के पास गए, हम वहाँ से तुरंत भाग कर, ये उनका छोटा भाई तो हमें मालूम पड़ा ऐसा हुआ तो हम तुरंत भाग के आए हैं। और वो फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि हम पानी कम होने के बाद यहाँ उतरेंगे, पर अब तक कोई रिपोर्ट उनकी कोई उतरा नहीं है जांच पड़ताल करने के लिए। अब तक ये बोले जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, सर हम कहना चाहते हैं कोई नहीं सर, 2:11 बजे 1 बजे, हाँ सर 11:30 बजे की आसपास की बात है। हाँ सर, 11:30 बजे की बात है सर, 1 बज गया सर, बोले कि अभी हम लोग भेजते हैं देखेंगे, फिर बोलते शाम में देखेंगे। पापा को कोई रिपोर्ट नहीं आने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो रोहित गुप्ता है वो यहाँ पर आज सुबह आकर 11:30 बजे के आसपास जो है उसने छलांग लगा दी। और ये भी जानकारी आ रही है कि रोहित गुप्ता के जो पिता है राजकुमार गुप्ता, उनका कहना था कि करीब 3-4 दिन से लगातार रोहित गुप्ता इस चूहा पुल पर आ रहा था सुसाइड करने के लिए, और वो यहाँ से पकड़ कर भी ले गए। आज सुबह के वक्त जो है वो पुलिस स्टेशन में भी लेकर गए थे कि इसे जो है पागलखाने भेजा जाए, लेकिन पुलिस ने वहाँ से वापस कर दिया, जिसके बाद उसने यहाँ पर सुसाइड किया है। हालांकि यहाँ पर दमकल विभाग और मुंब्रा पुलिस के सीनियर PI भी यहाँ पर आए हुए थे। बहरहाल अभी तक जो है किसी भी तरह का सर्च ऑपरेशन जो है दमकल विभाग की तरफ से शुरू नहीं किया गया। हालांकि दमकल विभाग के लोग और पुलिस
डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए थे और एक से डेढ़ घंटा यहाँ पर खड़े थे, उसके बाद सभी लोग वापस चले गए हैं। और परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द जो है उसे ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जाए, इस तरह की परिवार की मांग। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।